आप सभी के लिए दीपोत्सव दीपावली की मंगल कामना। कहते हैं माँ लक्ष्मी कभी किसी को निराश नहीं करती और दोनों हाथों से अपने भक्तों पर प्यार लुटाती हैं। माँ लक्ष्मी और प्रभु गणेश जी की कृपा जिस किसी पर भी होती है उसे कभी धन की कमी नहीं होती और ना ही उसके घर से सुख संपदा कम होती है। अब की बार दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त आज शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक है। वही लक्ष्मी पूजा के लिए महानिशीतकाल मुहूर्त रात 11:39 से मध्य रात्रि 12:31 तक है। जो कोई भी सच्चे हृदय से आज पूजा करता है प्रभु गणेश की कृपा से उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं और उसकी बुद्धि को बल मिलता है। लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पूजा का विधि विधान शुरू करते समय आपको सर्वप्रथम ईशान कोण या उत्तर दिशा की तरफ साफ सफाई करके स्वास्थ्य का चिन्ह बनाना चाहिए। उसके ऊपर आपको चावल की ढेरी रखनी चाहिए। अब उसके ऊपर लकड़ी का एक पाट बिछा सकते हैं। पाट के ऊपर अच्छा होगा कि आप कोई लाल कपड़ा या कोई पीला वस्त्र बिछाएं। उसी पर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। पूजन का प्रारंभ करते समय ये बेहतर होगा कि आप पंचमेव की स्थापना जरूर करें। यहाँ पर दुर्गा, शिव, विष्णु, सूर्यदेव और श्री गणेश को पंचदेव कहा गया है। उन्हें दीप धूप करें। इन सभी मूर्तियों या तस्वीरों पर पवित्र गंगा जल का छिड़काव भी करें। अब खुद आप एक कुशा के आसन पर विराजमान हो जाएं। इसके बाद आप माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें, यानी 16 क्रियाओं से पूजन आरंभ करें। ऐसा करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप अचमन, स्नान, पाद्य, अर्ध, आभूषण, पुष्प, गंध, नैवेद्य, धूप, तांबुल, आचमन, सत्वपाठ, नमस्कार और तर्पण करें। इसके बाद पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाएं। अब इसके बाद आपको एक विशेष कार्य ये करना है कि आप सभी देवों के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम या चंदन से तिलक करें और फिर उन्हें हार या फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका अंगुली से गंध, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इन सभी देवों का पूजन करने के बाद आपको भोग चढ़ाना चाहिए। इसे नैवेद्य भी कहा जाता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सामग्री आप इसमें इस्तेमाल करते हो उसमें ये पहली बार इस्तेमाल हो। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले हर एक पकवान में तुलसी का पत्ता रखना ना भूलें। इसे भी लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघोड़ा, हलवा, खीर, बताशे, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़िया, अनरसा, लड्डू आदि भी चढ़ाए जाते हैं। आवाहन में पुलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद आप पिस्ता, बादाम, छुआरा, चावल, गेहूं, सुपारी आदि अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और आम्रबेल भी इस भोग को अर्पित किए जाते हैं। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने ईष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह, पंचलोकपाल इत्यादि का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करवाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप पंडित ना भी बुलाएं तो भी आप इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए पूजा का विधि विधान अच्छे से निभा सकते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले आपको घर के पूर्व में आंगन को अच्छे से सजाना चाहिए। द्वार देहली पर रंगोली और मांडने बनाने चाहिए। द्वार पर वंदन लगाएं, नियम से उचित संख्या में दीप लगाएं और माँ लक्ष्मी के पदचिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए महसूस हों। माँ लक्ष्मी की पूजा करते वक्त हमेशा दिए माँ के दाईं ओर रखें। कभी भी एक दिए से दूसरे दिए को ना जलाएं। माँ को लाल या पीले फूल चढ़ाएं। माँ की आसन और चुन्नी का रंग भी लाल होना चाहिए। माँ को सफेद रंग के फूल ना चढ़ाएं। माँ की पूजा करते वक्त रंगीन कपड़े पहने और सफेद या काले रंग के वस्त्र इस्तेमाल में ना लाएं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु का भी आराधना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत पसंद हैं। ऐसे में आप उन्हें इनमें से किसी का भोग लगाएं तो निश्चित तौर पर वे प्रसन्न होंगे ही। अपने पुत्र को खुश होते देख माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होंगी। लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण की तरफ रखें और उसे परिवार के सभी लोगों में बांट दें।
घर में मांसाहारी भोजन ना बनवाएं और ना ही खाएं, मदिरा पान भी ना करें और ना ही जुआ खेलें। दीपावली रोशनी का पर्व है जो खुशियां लाता है, ऐसे में सभी को मिलजुल कर ये पर्व मनाना चाहिए। दिवाली के दिन घर में साफ सफाई रखें और अगर आप मेन डोर पर माँ लक्ष्मी के पैर बना रहे हैं तो वहां पर जूते चप्पल ना रखें। दीपावली के दिन आप अपने घरों के आंगन या मेन डोर पर रंगोली जरूर बनाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना है, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।